हेलो एवरीवन, दोबारा से आप सब लोगों का स्वागत है फार्मिंग सिमुलेटर 22 के न्यू एपिसोड पे। तो चलिए हम लोग अपना गेम स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड पे हम लोग ने जो हॉर्स पेस्टर है वो बिल्ड किए थे, तो आज हम लोग फार्मिंग सिमुलेटर 22 के अंदर जो कॉटन है उसको प्लांट करेंगे, वो भी दो बड़े फील्ड पे। ओके, तो चलिए अभी हम लोग सबसे पहले अपना जो घोड़ा है उसको पेस्टर के अंदर डाल देते हैं। भाई साहब कितना बड़ा जंप करता है यार हम लोग का घोड़ा। इसको थोड़ा सा मैं पीछे कर लेता हूँ अभी, और अभी हम लोग अपने घोड़े से उतर जाते हैं। तो अभी हम लोग अपना जो घोड़ा का थोड़ा साफ कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग अपना जो घोड़ा जब भी चलाते हैं तो हम लोग का जो घोड़ा है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो चलिए इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। ओके, तो चलिए अभी हम लोग का जो घोड़ा है वो पूरी तरह से साफ हो चुका है। तो अभी हम लोग को अपना जो बड़ा वाला जो फील्ड है उस पे कॉटन हार्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले अभी हम लोग को और एक जो बड़ा वाला जो फील्ड है वो परचेस कर लेते हैं। ओके, तो चलिए अभी हम लोग अपना जो मैप है उसको ओपन कर लेते हैं। तो अभी हम लोग को मैप से सबसे बड़ा वाला जो फील्ड है वो 70 नंबर का जो फील्ड है वो दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ा भी है। और हम लोग इस पे जो क्रॉप्स, कोई भी क्रॉप्स हम लोग प्लांट करेंगे और उस पर हार्वेस्ट करेंगे तो हम लोग को अच्छा खासा जो प्रॉफिट है वो हो जाएगा। तो चलिए अभी हम लोग फटाफट से जो फील्ड नंबर 70 का जो प्राइस है वो चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग परचेस करेंगे। तो कोई नहीं, तो अभी मेरे लिए जो प्राइस है वो मैटर नहीं करता है। फिर भी अभी हम लोग जो प्राइस है वो देखने वाले हैं कि अभी जो फील्ड नंबर 70 का जो प्राइस है वो कितने होने वाला है। ओके, तो चलिए चेक करते हैं। ओके, तो अभी हम लोग का जो फील्ड 70 या फील्ड 13 का जो प्राइस होने वाला है 7,72,488 डॉलर। सबसे महंगा वाला जो फील्ड है वो परचेस कर लिया है। तो चलिए अभी हम लोग ऐसा करते कि हम लोग जो फील्ड 51 पे हम लोग खुद जो कॉटन है उसको प्लांट करेंगे, और जो फील्ड 70 या फील्ड 13 वाला पे हम लोग अपना जो हेल्पर है उसको हायर करेंगे। इसके लिए अभी हम लोग को जितना भी जो प्लांटर्स है उसको अभी हम लोग लीज पे ले लेते हैं। ओके, तो चलिए अभी हम लोग फटाफट से चलते हैं व्हीकल शॉप पे। ओके, तो अभी हम लोग जो व्हीकल शॉप है वो आ चुके हैं। तो अभी हम लोग अपना जो व्हीकल शॉप से जो कुछ भी जो सामान नीड होता है प्लांट करने के लिए, अभी हम लोग वो सभी सामान लीज पे लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक सामान हम लोग का पास पड़ा हुआ है। तो अभी हम लोग दो दो सामान लेके अपना जो पैसा और अपना जो स्पेस क्यों ख़त्म करें। ओके, तो चलिए अभी हम लोग फटाफट से व्हीकल शॉप पे सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। प्लांटर्स है ना, मेरे को अभी प्लांटर्स तो मेरे को इधर नहीं मिलेगा, उसके लिए मेरे को टूल्स पे आना पड़ेगा। ओके, तो प्लांटर्स अभी मेरे को मिल चुका है। ओके, तो ये वाला मेरे को थोड़ा मस्त दिख रहा है, तो इस पे हम लोग जो फर्टिलाइजर भी स्टोर कर सकते हैं जो ये प्लांटर्स के अंदर। ओके, तो चलिए इसको अभी हम लोग फटाफट से ले लेते हैं। 7,068 लीटर तक हम लोग जो फर्टिलाइजर है वो स्टोर कर सकते हैं, और 14.5 टन का है ये, 257 किलोमीटर, और इसका HP है हॉर्स पावर 350 है। हम लोग का जो प्लांटर्स है ये 18.2 मीटर तक वाइड होगा और 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चलेगा। ओके, तो इसको अभी हम लोग ना कुछ इसको चेंज कर सकते हैं ना, इसका डिजाइन जैसे का वैसा ही होने वाला है। तो चलिए इसको फटाफट से लीज पे ले लेते हैं। ट्रैक्टर तो लेने का कोई जरूरत नहीं है, तो अभी हम लोग को फर्टिलाइजर भी लेना पड़ेगा। तो पैलेट्स में चलता हूँ, उसका बार लिक्विड फर्टिलाइजर ना, ये वाला सेम है, प्राइस तो सेम है, 2000 है। तो चलिए इसको अभी हम लोग बहुत सारा ले लेते, तो एक एक करके लेना पड़ेगा अभी मेरे को। चलिए अभी हम लोग ने फिलहाल 3 फर्टिलाइजर है वो ले लिया है, वो भी लिक्विड फर्टिलाइजर। ओके, तो अभी हम लोग को अपना जो ट्रैक्टर तो मेरे को मिल जाएगा शायद इधर। ओके, तो मेरे को एक ट्रैक्टर मिल चुका है। चल मेरा भाई, क्या हो गया, पूरा फ्रीज हो जाता है यार थोड़ा देर के लिए हम लोग का जो ट्रैक्टर। हम लोग जब भी जो ट्रैक्टर में बैठते ना उस टाइम थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, इसको अटैच कर लिया है। ओके, तो चलिए अभी हम लोग ने जो सीडर है या फर्टिलाइजर है उसको स्टोर कर दिया अपना प्लांटर्स पे। ओके, फिर से मैप ओपन करते हैं, सर डेस्टिनेशन इसको इधर प्लेस कर देते हैं और इसको क्लिक कर लेते हैं। ओके, तो अभी हम लोग ने जो हेल्पर है वो हायर कर लिया है। ओके, तो अभी हम लोग फटाफट से उतर जाते हैं। ओके, क्योंकि अभी हम लोग का जो प्लांटर्स तो ऑलरेडी जो व्हीकल शॉप वाले एरिया पे है। ओके, तो अभी हम लोग को फिर से अपना जो मैप है वो ओपन कर लेते हैं। तो अभी हम लोग का ट्रैक्टर शायद इधर हो सकता है, चलिए इसको रीसेट कर लेते हैं। ओके, तो चलिए अभी हम लोग का जो ट्रैक्टर है वो भी आ चुका है। ओके, तो चलो इसको थोड़ा सा बैक कर लेते हैं और इसको फटाफट से अटैच कर लेते हैं अभी हम लोग।
चलो अटैच हो गया, इसका जो सीट से वो चेंज करेंगे। तो शायद तो मेरे को लग रहा है कि इससे तो अभी हम लोग का कुछ काम नहीं होने वाला है, तो मेरे को कोई दूसरा देखना पड़ेगा। यस, ये हम लोग का जो ये सीडल है ना, ये हम लोग का जो नॉर्मल प्लांट्स के लिए है। तो अभी हम लोग को जो कॉर्न, कॉटन, रेडिस, बीट, ये सब प्लांट करने के लिए अभी हम लोग को दूसरा वाला जो प्लांटर है वो फिर से लेना पड़ेगा। उसको मैं इधर ही रख देता हूँ फिलहाल के लिए। तो अभी हम लोग फिर से वीको शॉप में चलते हैं ऑनलाइन वाले पे, और इसके बाद अभी हम लोग को प्लांटर्स पे फिर से आना है। तो उस टाइम हम लोग ने जो प्लांटर्स लिया था अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले, तो हम लोग वही लूँ या दूसरा वाला लूँ? तो चलिए इसको अभी हम लोग फटाफट से परचेस कर लेते हैं। हम लोग ने एक लीज भी लिए थे और अभी हम लोग और एक तो इसको परचेस करने वाले हैं। तो चलिए परचेस भी हो चुका है, चलो बैठ लेते हैं अभी हम लोग फिर से अपना ट्रैक्टर पे। तो फटाफट से अभी हम लोग अपना जो न्यू मशीनरी और अपना जो ट्रैक्टर है इसको फटाफट से अटैच कर लेते हैं। चलो अटैच हो गया, इसको रिफिल करना स्टार्ट कर देते हैं। चलो तो अभी हम लोग का जो फर्टिलाइजर है वो भी फुल हो चुका है, बोले तो 2840 लीटर तक जो फर्टिलाइजर है वो स्टोर हो चुका है। तो चलिए अभी हम लोग फटाफट से अपने फील्ड की तरफ चलते हैं, वो भी फील्ड 51 की तरफ। ओके, तो गाइस अभी हम लोग जो फील्ड 51 वाले जो लोकेशन पे पहुंच चुके, तो फटाफट से इसको अभी हम लोग इधर लेके चलते हैं। तो मेरे को लग रहा है कि पहले हम लोग ना सबसे पहले कल्टीवेट करना पड़ेगा लैंड को, उसके बाद ही हम लोग शायद प्लांट कर पाएंगे। एक बार ट्राई करते हैं, तो नहीं हुआ तो हम लोग जो कल्टीवेटर कर लेंगे लैंड को। ओके, तो उससे पहले अभी हम लोग सबसे पहले अपना जो दूसरा वाला जो ट्रैक्टर और जो उसका जो प्लांट है उधर चलते हैं। तो ये सामने पे है, तो इस बार मेरे को देखना है कि जो कॉटन से हम लोग को कितना ज़्यादा प्रॉफिट होता है। ओके, तो अभी मेरे को सबसे पहले इधर पे मेरे को अपना कोई हायर करना पड़ेगा। इधर कुछ है क्या प्लांट? नहीं, कुछ भी नहीं है। इसको अभी हम लोग थोड़ा और आगे पे लेके चलते हैं। चलिए इसको अभी हम लोग सबसे पहले ऐसा करते हैं कि हम लोग उसको ना थोड़ा दूरी पे लेके चलते हैं, और उधर पे थोड़ा स्पेस होने से हम लोग अपना ट्रैक्टर और उसका जो इक्विपमेंट है उसको हम लोग रोटेट कर लेंगे, और हम लोग उधर से लेके आएंगे तो शायद सीधा हो जाएगा। ओके, तो क्योंकि इसको इधर से घुमाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन चलो एक बार ज़रूर ट्राई करते हैं। इधर से काम हो गया तो हम लोग को उतना दूर जाने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। भाई साहब यार, इसको घुमाना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है यार। हाँ, तो हो गया। तो चलिए अभी हम लोग का काम आराम से हो जाएगा। अबे जल्दी करो भाई, ट्रेन आ रहा है। अबे लड़, अबे भाई, अबे ठोक दिया भाई ट्रेन ने। अबे भाई सब ब्लास्ट नहीं हुआ यार, बच गया। अबे यार ट्रेन तो रुका नहीं। ओ भाई सब बच गया यार मैं तो मेरे को लगा था कि आज हम लोग का आखिरी दिन होगा बोल के तो गेम के अंदर। ओके, तो चलो अभी हम लोग बच गए, तो अभी हम लोग फटाफट से अपना जो ट्रैक्टर और जो प्लांटर से इसको घुमा लेते हैं, और हम लोग जैसे जो फील्ड के सामने पहुंच जाएंगे उसके बाद हम लोग जो हेल्पर है वो हायर कर लेंगे। चलो इसको अभी हम लोग सबसे पहले इसको अनफोल्ड कर लेते हैं। बाप रे भाई, ये बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है। बाप रे ट्रांसफॉर्मर्स। तो चलिए अभी हम लोग अपना जो हेल्पर है वो हायर कर लेते हैं। उसको तो थोड़ा और आगे लेके जाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग जो हेल्पर है वो हायर कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग का काम स्टार्ट हो चुका है, तो अभी हम लोग फटाफट से जो ट्रैक्टर से उतर जाते हैं। कितना बड़ा है यार जो ये मशीनरी। चलो अभी हम लोग का ट्रैक्टर और हम लोग का जो प्लांटर्स है वो किधर है? ओके, तो अभी हम लोग उधर चलते हैं फटाफट से। अभी मैं यह कौन सा जंगल के अंदर घुस गया मैं सोच रहा था। ओके, तो चलिए अभी हम लोग अपना जो प्लांटर्स और ट्रैक्टर के सामने आ चुके हैं। तो अभी हम लोग को इधर, मेरे को लग रहा कि इधर हम लोग को ना कल्टीवेट करना पड़ेगा जो ये ज़मीन को। तो एक बार देखते हैं बिना कल्टीवेट वो करे हुए तो हम लोग अपना जो काम है वो कर सकते कि नहीं। एकदम आहिस्ता से खुलता है यार, ट्रांसफार्मर जैसे लगता है मेरे को। ए जब ये खुलता तो भाई हम लोग का जो ट्रैक्टर पीछे क्यों जा रहा है? वो भाई साहब चलो, तो पूरी तरह से खुल गया। एक बार ना अपना जो हेल्पर है उसको हायर करके देखते हैं। इससे अच्छा तो मैं खुद कर लेता। तो अभी हम लोग का जो अकाउंट से जो पैसा है वो कटना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि अभी हम लोग का जो हेल्पर है वो दूसरे वाला फील्ड पे काम कर रहा है, उसी कारण अभी हम लोग का जो पैसा है वो बहुत तेज़ी से घट रहा है। ओके, तो अभी हम लोग अपना जो ट्रैक्टर और जो प्लांटर है इसको इधर से घुमाएंगे तो हम लोग का एकदम सीधा हो जाएगा। सबसे मुश्किल वाला बात है यार इसमें तो।
भाई साहब ये बहुत ज्यादा बड़ा ऐसा लग रहा है यार। चले इसको अभी हम लोग थोड़ा सा इसको के लोअर कर लेते हैं। चले लोअर हो गया और इसका जो सीडर है वो ऑन कर लेते हैं। चलिए अभी हम लोग का जो काम है वो स्टार्ट हो चुका है। चलिए इसको अभी हम लोग फटाफट से पूरा फील्ड को कॉटन प्लांट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कर दिया अभी हम लोग ने आधा तो। ओके तो गाइस अभी हम लोग ने जो फील्ड 51 पे पूरी तरह से जो कॉटन है उसको प्लांट कर लिया और जो फर्टिलाइजर है वो भी डाल चुके हैं। ओके तो चलिए अभी हम लोग फटाफट से अपना जो ट्रैक्टर और जो प्लांटर है इसको थोड़ा सा साइड पे लगा के इसका जो मशीन है बोली तो इसका जो सीडर है उसको ऑफ कर देते हैं, इसको अनफोल्ड कर लेते हैं। भाई साहब ये बहुत ज़्यादा बड़ा है यार, इसको मैं छोटा होने देता हूँ पहले और उसको थोड़ा सा साइड पे रख देता हूँ। ओके तो अभी हम लोग का जो ये काम है ये कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम लोग को देखना पड़ेगा कि अपना जो वर्कर है उसने अपना जो काम कंप्लीट किया है कि नहीं किया है। ओके ओके तो गाइस अभी हम लोग का जो हेल्पर ने जो फील्ड 70 वाला जो जॉब है उसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। और ओके गाइस और आज के लिए इतना ही, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, सी यू ऑन नेक्स्ट एपिसोड।